आखिर किसके कहने पर राघव को बदनाम किया जा रहा था? आखिर वो क्यों राघव को बदनाम करना चाहता है? क्या सच में स्नेहा राघव को डिवोर्स देगी? अब क्या नया मोड़ लेगा राघव और स्नेहा का रिश्ता? अमन खुराना? जैसे ही उस आदमी ने अमन खुराना का नाम बताया, राघव को तुरंत ही याद आ गया कि अमन वही लड़का है जिससे स्नेहा की माँ गीता स्नेहा की शादी कराना चाहती थी। राघव ने सोचते हुए कहा, अच्छा तो अब मैं समझा कि ये गीता अग्रवाल यहाँ मेरी क्लिनिक पर आई क्यों थी। हो ना हो यही देखने आई थी कि उनका प्लान सक्सेस हो रहा है या नहीं। राघव अभी ये सोच ही रहा था कि ये कपल जिनकी उम्र तकरीबन 35-36 साल की होगी, वो अपने 6 साल के बच्चे को गोद में उठाकर उसकी क्लिनिक की ओर भागते हुए चले आ रहे थे। 6 साल का वो मासूम सा बच्चा लगातार खून की उल्टियां कर रहा था। उस बच्चे की मां नीता ने रोते रोते राघव पर इल्जाम लगाते हुए कहा, तुम कोई डॉक्टर नहीं बल्कि जल्लाद हो। ये कैसी दवा दी थी तुमने? देखो देखो क्या हाल हो गया मेरे बच्चे का, सुबह से ही खून की उल्टियां किए जा रहा है। राघव कुछ बोल पाता इससे पहले ही उस बच्चे के पिता अभय ने राघव को आंखें दिखाते हुए कहा, भगवान ने बड़ी मिन्नतों से हमें एक बेटा दिया है और अगर इसे कुछ भी हुआ तो डॉक्टर मैं तुम्हें और तुम्हारी इस क्लिनिक को छोड़ूंगा नहीं, बंद करवा दूंगा ये सब। राघव एकदम से शॉक्ड हो गया और उसे याद आया कि हफ्ते भर पहले ही उस बीमार बच्चे की माँ अनीता उसकी क्लिनिक में अपने बेटे के साथ आई थी और राघव ने ही उसे ये दवा लिख कर दी थी। राघव ने फिर उस लड़के की नब्ज चेक करते हुए अपने मन में कहा, इसकी तबीयत तो सच में खराब है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो इसको सही दवा दी थी, कहीं ऐसा तो नहीं इस लड़के पर सुनहरी विद्या काम ना कर रही हो। राघव ने जब अपनी नजरें उठाकर देखा तो क्लिनिक के गेट पर इंस्पेक्टर साक्षी चौधरी खड़ी थी। साक्षी राघव की तरफ बढ़ती हुई आई और राघव से बेहद कड़े अंदाज में कहने लगी, राघव तुम्हारे खिलाफ हमें एक कंप्लेंट मिली है, आज सुबह किसी ने गलत दवा देने की वजह से तुम्हारे अगेंस्ट FIR कर दी है। तुम तो जानते ही हो ऐसे मामलों को लेकर कानून कितना सख्त है, इसलिए हमें फौरन तुम्हें अरेस्ट करना होगा। राघव ने साक्षी को सफाई देते हुए कहा, साक्षी जी किसी ने मेरे खिलाफ साजिश रची थी और शायद ये FIR भी उसी ने कराई होगी। राघव ने साक्षी को समझाने की काफी कोशिश की लेकिन साक्षी मानने को तैयार नहीं थी। उसने राघव को हथकड़ी पहनाई और उसे थाने लेकर जाने लगी। मन ही मन परेशान होकर राघव ने कहा, अगर कोर्ट के सामने मैं गुनहगार साबित हो गया तो फिर मेरे पापा का क्या होगा, उनका ख्याल कौन रखेगा, और स्नेहा सासू माँ तो फौरन उसकी शादी अमन से करा देंगी। इतने में पुलिस स्टेशन आ गया और राघव को किसी आम कैदी की तरह हवालात में बंद कर दिया गया। साक्षी राघव के पास आई और बोली, आई नो राघव तुम बेगुनाह हो लेकिन क्या करूं, मैं भी अपने फर्ज के आगे मजबूर हूँ। साक्षी अपनी जगह पर बैठी ही थी कि इतने में एक हवलदार साक्षी के पास एक लेटर लेकर आया। जैसे ही साक्षी ने लेटर खोला, उस लेटर को पढ़कर वो एकदम से सकते में आ गई। ये लेटर कोर्ट की तरफ से आया हुआ था जिसमें साफ साफ शब्दों में राघव को जमानत देने की बात लिखी थी। साक्षी फौरन राघव के लॉकअप के पास गई और उसका लॉकअप खुलवाया और बोली, राघव अब तुम जा सकते हो क्योंकि किसी ने तुम्हारी जमानत करा दी है। यह सुनकर राघव ने पूछा, मेरी जमानत किसने करा दी, क्या मेरे पापा आए थे? इस पर साक्षी ने कहा, यह तो पता नहीं चला, बस तुम्हारी जमानत के कागज आ गए थे इसलिए तुम्हें छोड़ रही हूं। जैसे ही राघव बाहर आया उसने उस शख्स को देखा जिसने उसकी बेल करवाई थी। सोनल मेहरा अपनी कार लेकर जेल के बाहर राघव का इंतजार कर रही थी। सोनल आप मेरी कितनी मदद करोगी, मैं आपके एहसान तले दबता ही जाऊंगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आखिर आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ जेल में बंद हूँ? सोनल ने राघव से कहा, एक्चुअली मैं तुम्हारी क्लिनिक पर गई थी। क्लिनिक पहुंचते ही मैंने देखा कि वहां पर काफी हंगामा मचा हुआ था, कई लोग खून की उल्टियां कर रहे थे, हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। तभी वहां पर लोगों ने बताया कि तुम्हें नकली दवा देने के जुर्म में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये खबर मिलते ही मैं यहाँ फौरन तुम्हारी बेल कराने चली आई। राघव ने सोनल से सवाल पूछते हुए कहा, तो फिर उन पेशेंट्स का क्या हुआ जो खून की उल्टियां कर रहे थे? सोनल ने इसका जवाब देते हुए कहा, वैसे टेंशन की कोई बात नहीं है, उन सभी पेशेंट्स को मैंने सेंट्रल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। राघव के चेहरे पर एक अलग सी परेशानी दिख रही थी। उसने घबराते हुए कहा, हमें अभी के अभी सेंट्रल हॉस्पिटल निकलना होगा वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी।
फिर राघव और सोनल दोनों ही कार में बैठकर सेंट्रल हॉस्पिटल की ओर चल दिए। सेंट्रल हॉस्पिटल में हर दिन के मुकाबले आज काफी भीड़ लगी हुई थी। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। जनरल वार्ड में अलग चीख पुकार मची हुई थी। कुल 7-8 मरीज थे जो खून की उल्टियां कर रहे थे। राघव फौरन उनके पास गया और उन सभी को एक एक दवा देने लगा। जैसे ही राघव ने दवा दी, वहां मरीज के साथ आए लोग उस पर भड़क कर कहने लगे, तुम यहाँ भी आ गए? तुम्हारी वजह से ही हमारे परिवार के लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म बची हुई है तो प्लीज यहाँ से चले जाओ। इस दौरान हंगामा काफी बढ़ गया था और लोगों की भीड़ बेकाबू सी हो गई थी। हंगामा बढ़ता देख सेंट्रल हॉस्पिटल के डॉक्टर भी आ गए। हॉस्पिटल के डॉक्टर ने राघव को देखा तो उसे डपटते हुए कहने लगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो पुलिस ने फर्जी दवा देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया था ना, तुम बाहर कैसे आए और तुम्हें यहाँ आने किसने दिया? इसी बीच हंगामा काफी ज्यादा बढ़ गया था। नौबत हाथापाई तक आ गई थी। इस बीच एक तेज आवाज गूंजी, Enough, बस अब बहुत हो गया। उस आदमी की गरज भरी आवाज सुनकर पूरे वार्ड में सन्नाटा पसर गया। राघव ने जैसे ही उस आदमी की तरफ नजर डाली, उस आदमी को देख राघव एकदम से हैरान हो गया। आखिर कौन था वो आदमी जिसकी एक आवाज से वार्ड में खामोशी छा गई? क्या राघव उन मरीजों को ठीक कर पाएगा? क्या राघव की सुनहरी विद्या ने अब काम करना बंद कर दिया है? आखिर किसने राघव के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप और सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी, शो सुपर जमाई में।